मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोरोना वायरस। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट ईसी जीके पर, जहां आप सीखते हैं जनरल नॉलेज वो भी बेस्ट वे में। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए 2020 का ट्रेंडिंग टॉपिक कोरोना वायरस, जिसे COVID-19 भी कहते हैं, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और इसके हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो प्लीज एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वुहान में कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? आंसर है COVID-19। नेक्स्ट, वुहान से पहले कोरोना वायरस को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? आंसर है SARS-CoV-2। फ्रेंड्स यहाँ इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। नेक्स्ट, किसने COVID-19 को महामारी घोषित किया? आंसर है WHO। फ्रेंड्स WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, किस राज्य में कोरोना वायरस के कारण पूर्व कर्फ्यू लगाया गया है? आंसर है पंजाब। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के कारण किस दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था? आंसर है 22 मार्च 2020। नेक्स्ट, कौन सा राज्य कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बन गया? आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट, COVID-19 मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? आंसर है लंग्स, फेफड़े। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के परीक्षण का नाम क्या है? आंसर है RT-PCR। नेक्स्ट, कोरोना वायरस चीन के वुहान से शुरू हुआ है, यह चीन के किस प्रांत में स्थित है? आंसर है हुबी। नेक्स्ट, COVID-19 शब्द में VI का क्या अर्थ है? आंसर है वायरस। फ्रेंड्स COVID-19 का पूरा फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज 19, जिसमें CO यानी कोरोना, VI यानी वायरस, D यानी डिसीज। नेक्स्ट, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बना? आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट, SARS को COVID-19 इमरजेंसी फंड में भारत ने कितनी सहायता की घोषणा की है? आंसर है $10 million यानी $1 करोड़। सोशल ऐप इंस्टाग्राम ने अपने यूजर्स को कोरोना वायरस से अवगत कराने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? आंसर है इंस्टाग्राम फीड। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से आपको अवगत कराने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? आंसर है व्हाट्सएप चैट बॉट। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से अवगत कराने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? आंसर है कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से आपको अवगत कराने के लिए गूगल ने कौन सी नई वेबसाइट लॉन्च की है? आंसर है google.com COVID-19। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से आपको अवगत कराने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आंसर है
कोवा पंजाब। नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना कैसी दिखती है? आंसर है क्राउन। नेक्स्ट, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है? आंसर है SARS एंड MERS। फ्रेंड्स, SARS का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2002 में चाइना में देखने को मिला था, और MERS का फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2012 में सऊदी अरबिया में देखने को मिला था। नेक्स्ट, कब कोरोना वायरस की पहली पहचान हुई? आंसर है 1960। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण क्या है? आंसर है फीवर यानी बुखार, कफ यानी खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस में कमी। नेक्स्ट, कौन सा वायरस COVID-19 के लिए जिम्मेदार है? आंसर है SARS-CoV-2। नेक्स्ट, अस्थायी रूप से कोरोना वायरस का नया नाम क्या था? आंसर है 2019 एनको। नेक्स्ट, किस भाषा में कोरोना वायरस नाम की उत्पत्ति हुई है? आंसर है लैटिन। नेक्स्ट, कोरोना वायरस से बचाने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है? आंसर है कवर योर नोज एंड माउथ व्हेन स्नेजिंग, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक ले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करें, और डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आने वाली वीडियो में इस मिस्टेक को क्लियर कर सकूं। और हाँ, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। तो चलिए, मिलता हूँ न्यू वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।